हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम यूपीपीसीएस की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हमारा पहुंच गए हम लोग फिफ्थ चैप्टर पे, जिसका नाम है, इसको फिफ्थ चैप्टर नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, लेकिन फिफ्थ लेक्चर है ये। फिफ्थ 4A जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जिक्र किया गया, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले समझ लेते हैं हम लोग। ये एक स्टेट है, स्टेट का मतलब कंट्री, और कंट्री में रहते हैं कुछ सिटीजन्स। तो इन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जो कि कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये अगर वॉयलेट होते हैं तो ये वाले जो सिटीजन्स हैं वो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि सिटीजन्स को पूरे राइट्स मिलें, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कुछ जिम्मेवारियाँ भी होनी चाहिए। जो जिम्मेवारियाँ हैं वो हैं उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरुआत वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1950 में जो लागू हुआ उसमें नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। तो ऐड कब किया गया है वो सब बातें हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि सिटीजन्स को क्या करना है, सर्टेन ड्यूटीज़ हैं जो कि फॉलो करनी पड़ेगी एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे कंट्री की परिकल्पना करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कहाँ से इंस्पायर्ड है ये, क्योंकि मैंने बताया कि इंडिया में पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं था इन चीज़ों का जिक्र। तो शुरुआत में नहीं था, तो देन बाद में इसको ऐड किया गया है। और इसको इंस्पायर कहाँ से किया गया, यूएसएसआर था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा था, वहीं से इंडिया ने इसे लिया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इन्हीं को याद रखना है। उसके अलावा जो भी चीज़ है वो निचोड़ है, वो याद है तो देन आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स, वो आगे पीछे कॉस्मेटिक थिंग है, उनको आप बढ़ा सकते हो आप आराम से। तो ये वाला यूएसएसआर वाला पोर्शन आपको रखना याद कि कहाँ से लिया गया इनको, यूएसएसआर से। दूसरी चीज़ क्या है कि एक कमेटी थी जिसका नाम था सोरेन सिंह कमेटी, उसने रिकमेंड किया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कैसा कुछ कि फंडामेंटल ड्यूटी टाइप का। तो वहाँ से फिर सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद इन्हें इंप्लीमेंट कर दिया। तो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर, सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ये चीज़ें। तीसरी चीज़, जब सरकार ने इसे रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया तो कौन सा अमेंडमेंट लाके इसे फिर लागू किया, तो वो था अमेंडमेंट नंबर 42, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये याद रखना है कौन से साल में, 1976 में। अब आप 1976 आते ही आपको ध्यान आना चाहिए कि 1975 में क्या था, इमरजेंसी वाला साल। फिर वहाँ से आपको ध्यान रखना चाहिए कि इमरजेंसी में जब आपको पूरी सुविधाएं मिल रही थी, सुविधाएं किस सेंस में मिल रही थी, वैसे तो आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा रहा था, तो लोगों को इम्पोज किया जा रहा था कि आपको सर्टेन सर्टेन ड्यूटी करनी भी है। तो वो एक अथॉरिटेरियन लाइक गवर्नमेंट टाइप से आ रहा था, तो इसलिए ये इम्पोज की गई थी उस टाइम पर। लेकिन ये अच्छी होती हैं अगर उसे पॉजिटिव वे में लिया जाए। तो ये हो गया पॉइंट 3 जो कि आपको याद रखना है। फोर्थ वाला है कि ये जब शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें कोई आर्टिकल नहीं था जिसमें कैसा लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी। तो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम था 51A। अब 51 आपको पता है, मैंने पढ़ा आपको बताया था 36 से लेके 51 तक किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, जो कि पार्ट 4 में जिक्र किया गया। अब पार्ट 5 क्या है, पार्ट 5 में बस एक ही आर्टिकल है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। पार्ट 4A में है क्या चीज़, 51A आर्टिकल। ठीक है, इसमें एकमात्र अनुच्छेद है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है कि शुरुआत में जब इम्प्लीमेंट किया, 42 अमेंडमेंट लाके इसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे ऐड कर दिया गया, उसके बाद एक और जो फंडामेंटल ड्यूटी थी जो बाद में ऐड की गई है। पहली वाली कब ऐड की गई, 1976 में। अब दोबारा कब ऐड किया गया, एक और, पहले 10 ऐड की गई, अब एक और ऐड की गई जिसका नाम है, 2002 में इसे ऐड किया गया, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए, एजुकेशन के लिए, कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे पढ़ाना चाहिए। तो ये 2002 में इसे ऐड किया गया है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ही क्रक्स टाइप से हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि बेसिकली ये ड्यूटी है क्या। तो इसमें सबसे मैं पहले यहाँ फास्ट जाऊँगा। फास्ट क्यों जाऊँगा, क्योंकि ये आप समझ पाओगे जब जब आपको याद रहे, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेंटेंसेज आपको याद नहीं रहेंगे। तो आपको बेसिक थीम समझना है पहले कि बेसिकली कहने की क्या कोशिश की जा रही है। शुरुआत में ये की जा रही है कि आपको पहली वाली ड्यूटी है उसमें बोला गया आपको कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करना है, आइडियल, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब का रेस्पेक्ट करना, ये बात बोल दी गई है। दूसरी बात, जो नोबल आइडियाज है हमारे, जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था, जैसे कि गांधीवादी आइडिया जिसमें कि अहिंसा और ये सब बात जो बातें थी, उन सब से आपको चेरिश करना है और उन्हें फॉलो करना है और उनसे इंस्पायर होना है, ये थी दूसरी वाली। और तीसरी वाली, जो पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, कि मैं एक एक जो वर्ड है उसको मैं यहाँ पर गोला बनाऊंगा, जिससे कि मैं रिलेट करूँगा बाद में जब आप ट्रिक में याद करेंगे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर मैंने लिख दिया है फ्लैग से, देन नेक्स्ट वन यहाँ पे मैंने नोबल, तो नोबल आइडिया से आपको याद रखना है, जो मैं बाद में रिलेट करके आपको दिखाऊंगा। तीसरे वाले में बोला गया कि हमारा देश है, देश की सोवरेनिटी, मतलब देश पे कोई आक्रमण न करे, ना उसका टूटे ना देश, उस इंटीग्रिटी को आपको बना के रखना है, देश की यूनिटी को बना के रखना है। तो इसमें क्या, इसमें भी अपहोल्ड,
मतलब हमें अपहोल्ड करके रखनी है देश की यूनिटी। अब इससे अगला वाला है कि हमें अगर कंट्री बाहर के किसी कंट्री से अटैक होता है या फिर हमें कभी बोला जाए कि आप देश की सर्विस में जाना चाहोगे देश के लिए फ्री में, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया तो हमें हेल्प करनी चाहिए वहाँ पर जो जितनी पीड़ित हैं उन लोगों की, तो ये क्या है देश के लिए सिविल नेशनल सर्विस देना, या एनसीसी कॉर्प करके बनाया गया जो एनसीसी वो इसी पर्पज़ से बनाया गया, तो ये क्या है डिफेंड द कंट्री, तो ये वाला भी याद रखना है। इसमें हारमोनी बढ़ाना है देश के लोगों के बीच में, आपस में ब्रदरहुड, ये अगली वाली जो हमारी मौलिक कर्तव्य है उसमें है ब्रदरहुड, मतलब हमें भाईचारा बढ़ाना है आपस में और एक साथ जितने भी रिलीजन हैं लिंग्विस्टिक या रीजनल बेसिस पे जो हमारा बीच में बंटवारे हैं उनको हमें भुला के आपस में रहना है, और डिग्निफाई और डिग्निटी ऑफ द वुमेन का हमें ध्यान रखना है और डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस को बंद करना होगा, ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा ये पूरा सेंटेंस में मुझे ब्रदरहुड को आपको करना होगा, यहाँ पे ये वाला आपको नहीं याद रखना है, ब्रदरहुड को याद रखना है। नेक्स्ट में जाएंगे कि वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कॉस्मेटिक, तो इंडिया में क्या है कि आपको पता ही इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने बहुत सारे लोग आए, मुगल्स आए पहले, फिर लाइक हिंदुज़म भी रहा, बौद्धिज़म भी रहा, उसके बाद जैनिज़म भी रहा है, तो और फिर यहाँ पे सिखिज़म का भी यहीं पे इमरजेंस हुआ, तो ये सब एक मिला के कंपोजिट कल्चर बना है इंडिया में। ठीक है, जो कि अपने आप में यूनिक है, तो ये कंपोजिट कल्चर को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट वाला क्या है, तो उसे हमें प्रिजर्व करना है, इस वाली ड्यूटी में हमें ये बोला गया है कि आपको इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वाला जो है उसमें लिखा गया है कि जो इन्वायरमेंट है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, ये सब इसको हमें प्रिजर्व करना होगा, इनको हमें सस्टेनेबली यूज़ करना होगा, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट में क्राइसिस आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे बहुत बड़े हजारस रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस वाली ड्यूटी पर भी ध्यान दिया कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, नेचुरल लेक्स वगैरह उन सबको ख़राब नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हमें इन्वायरमेंट पर फोकस करना होगा। तो इन्वायरमेंट जैसे वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, कौन सी ये ड्यूटी है कि नहीं। नेक्स्ट वाला है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड इंक्वायरी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, हमें ना ऐसा अपना व्यू बनाना है जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बेस हो, हमारा अप्रोच ह्यूमैनिज्म पे बेस हो, और हम अपने आप को बार बार इंक्वायर करें कि हम कहीं गलत तो नहीं है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम बार बार रिविजिट करें, ये बेसिकली इसमें बोला जा रहा है। तो हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट ये सब और अपने आप को इंक्वायर करना है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो ये आपको याद रखने। नेक्स्ट वाला है कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजेंट लाइक वायलेंस, बेसिकली क्या है कि आपने देखा वो कोई प्रोटेस्ट होता है तो थोड़ी देर में लोग आग लगाने लगते हैं बस वगैरह में, ये गलत चीज़ है, प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। तो इसमें क्या किया गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको नुकसान नहीं पहुँचाएं, क्योंकि आप जो आग लगा रहे हैं उसका टैक्स आप ही भरोगे फिर बाद में, क्योंकि वो दोबारा आपकी ज़रूरत है, आप ही रोड पर आधा घंटे ज़्यादा देर खड़ी रहोगे, किसके लिए, बस के लिए, क्योंकि वो बस तो जला दिया आपने, या तो टैक्स तो ज़्यादा, तो इसलिए ये आप समझा करो थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस बन जाता है कि एक अच्छी ह्यूमन के लिए आपको क्या चाहिए, इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रोटेस्ट है तो आप वोट सही से दीजिए, मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो देन उन्हें पार्लियामेंट से बाहर फेंकिए, आप अच्छे से चुनिए उन्हें, ये सब अपने अधिकारों का अच्छे से इस्तेमाल करिए, ऐसे नहीं गलत तरीके से, वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि गांधी जी ने बोला है आई फॉर आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, अगर आँख के बदले आँख मांगने लग गए तो पूरा वर्ल्ड है वो अंधा हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाला जो है इसमें आपको याद रखना है क्या चीज़ कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो नेक्स्ट वाला आप जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज़, कि हमें सब, क्योंकि ह्यूमन के साथ साथ एक सोसाइटी में रहने के साथ साथ एक नया फीचर्स डेवलप होते हैं, जैसे आप अकेले रहते हैं तो उसके अलग पैरामीटर्स होते हैं कि आप एक्सीलेंस लेते हैं अपने फील्ड में, या फिर आप अगर इंडिविजुअली ग्रोथ करते हैं अपने इकोनॉमिक या फिर जो भी पर्सपेक्टिव होते हैं आपके, उसके साथ साथ सोसाइटी में जाते हैं वहाँ पे अलग जो स्टेचर्स होते हैं आपके, उन सब में भी आपको कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और नेशनल जो अपना कंट्री है उसको कॉन्स्टेंटली हाई लेवल्स पे लेके जाना है और अचीव करना है नई नई चीज़ें। और जो नया फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था 2002 में वो था कि हमें हर बच्चे को मौका देना है जो 6 से 14 ईयर का है कि वो स्कूल जाए, ये मौका देना हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, कम से कम वो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंप्लीट करे, तो ये गवर्नमेंट ने इसको भी ड्यूटी में डाल दिया है, तो ऑप्शन ये भी के है। अब ये सब मैंने जो कहानी बताई है ये सुनने बहुत सही लगा, लेकिन रिटेन नहीं होता है, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इसमें, कि आपके दिमाग में ये रिटेन नहीं रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा बहुत वेग फॉर्म में, तो ऑप्शन में दिखेगा तो कोई भी थोड़ा ट्विस्ट करके डाल दिया देना बोल्ड हो जाओगे, तो इसे याद कैसे करेंगे, तो ये मेरा काम है, मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत से आपको याद रखना है कि मैंने जो लेटर्स को बोल्ड या फिर ये एनसर्कल किया है उनको आपको याद रखना है, तो आपको यहाँ देखना है सबसे पहले, सबसे पहला लेटर क्या है यहाँ पे, फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग जैसे याद करना है तो यहाँ पे ये वाले नाम याद रखना है आपको, फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये है, इससे क्या बनेगा, फ्लैग।
तो फ्लैग जैसे याद आएगा देन आपको सब कुछ याद आना चाहिए, नेशनल एंथम भी याद आ जाएगा, ये चीज़ें भी याद आ जाएंगी। दूसरा वाला देखेंगे देन आप, इसमें लिखा हुआ है कि ये दूसरा वाला है लेकिन मैं इसको पहले ले लेता हूँ, तो अपहोल्ड द प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे इधर साइड में, तो ये जो यू वर्ड है यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी यूनिटी को डिनोट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, देश की यूनिटी को बनाए रखना है। ठीक है, तीसरा वाला क्या है एन, तो जो आप मैंने नीचे वाला जो सी वाला था वो पहले ले लिया था, ऊपर वाले में क्या है नोबल आइडियाज़ को हमें प्रेज करना है। कौन से वाले नोबल आइडियाज़, जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर जनरेट हुए हैं और जिनसे हम इंस्पायर हुए हैं, तो वो वाले नोबल आइडियाज़ को हमें फॉलो करना है और चेरिश करना है। तो वो कौन सा है, तो तीसरे वाले पर जाएंगे तो एन से डिनोट करेगा ये वाला कि नोबल आइडियाज़। ठीक है, इसके बाद देन ये वाला आएगा डी, डी से आप देखेंगे यहाँ, देखिए डी से, तो यहाँ पर डिफेंड द कंट्री, तो कंट्री को डिफेंड करने के लिए आपको डी, तो यहाँ पर डिफेंड। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो मैंने बोला था कॉमन आदमी, जो ब्रदरहुड हमें बढ़ानी है सारे, जो भी हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन सबको भुला के, और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, डिग्निटी ऑफ वुमेन ये भी हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो इसको आप देखेंगे ब्रदरहुड को, तो ये आम लोगों के बीच में हमें प्यार से रहना है, तो दिस ए से आपको ध्यान रखना है आम आम लोगों के साथ। ठीक है, तो आम से याद रखना आपको। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट वाला आता है यहाँ पे देखेंगे आप, उसके बाद क्या आता है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कंपोजिट कल्चर का मैंने जिक्र कर रहा था, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं तो सब आपस में मिलजुल के रहते हैं एक सोसाइटी में, तो ये कंपोजिट कल्चर को हमें प्रिजर्व करना होगा, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा भी लाइक फैब्रिक हमारे डाउन हुए तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी इधर, क्योंकि फिर वहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि आप देखते हैं आज के टाइम पे कि टेररिज्म और ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये सब क्राइम रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट पे ही चलता है सोसाइटी, बेसिकली ट्रस्ट के बेसिस पर चलती है। ठीक, आपने देखा होगा कि गाँव में कोई चौकीदार नहीं होता जब भी चोरी नहीं होती, और शहर में इतने चौकीदार लगे रहते हैं जब भी चोरियाँ हो जाती हैं, तो ये वाला जो डिफरेंस है ना वो आप अपने आप फील करके देखिए, शहर में हर बिल्डिंग पे चौकीदार मिलेगा जब भी चोरियाँ हो रही है ना, कितना क्राइम रेट है शहर में, लेकिन गांव में इतना नहीं है। ठीक है, तो वो लॉजिक क्या है उसका आप देख लें कि वहाँ पे जो कंपोजिट कल्चर है वो आसपास एक साथ मिलके रहते हैं, वो पड़ोसी का घर को भी अपना घर समझते हैं, तो वहाँ से डिफेंड वाला सिस्टम आता है। ठीक है, शहर में वो वाला कल्चर नहीं होता, जो कि फेड अवे होता है, क्योंकि इंडियन ये जो कंपोजिट कल्चर है उसका डिग्रेडेशन माना जाता है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे इस वाले को, तो यहाँ पे एम मतलब मिक्स्ड वाला कल्चर है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे मिक्स्ड कल्चर। फिर इससे नेक्स्ट वाला है देन, उसमें हमें एनवायरनमेंट की बात की, तो एनवायरनमेंट में फिर उसके एस्पेक्ट आपको पता ही चल जाएगा कि लेक वगैरह, फॉरेस्ट और लिविंग। तो यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट वाला पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप अगले वाले पर जाएंगे नेक्स्ट वाले पर, देन आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है ये वाला लेटर, तो यहाँ ई से आप इसे रिलेट कर दीजिए फॉरेस्ट वगैरह को, तो दिस इज एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण से आपने इसे कर दिया। फिर यहाँ देखिए इसके बाद वाला जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें बोला गया है कि अपने आप की इंक्वायरी मतलब अपनी आत्मा की इंक्वायरी, अपने ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल, इन सबको आपको रिफॉर्म लाना है टाइम के साथ साथ, प्लस उनको इंक्वायर करते रहना, ये एब्सोल्यूट नहीं होते, आज जो बात सही है वो आज से 50 साल बाद नहीं सही रहेगी, तो ऐसा नहीं कि मैं 50 आज से 50 साल बाद जितने साल का हो जाऊंगा तो ये इन्हीं प्रिंसिपल्स पे लाइक बना रहूं और बोलूं कि मेरी बात ही सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक, उस टाइम पे क्या वैलिड होगा हमें पता नहीं, तो उसके साथ हमें चेंज होना चाहिए, तो जिससे कि रिजिडिटी ना आए सोसाइटी में। तो आप इसमें बोला गया है कि तो इसमें इसको याद रखने के लिए आपको इंक्वायरी वर्ड को याद रखना होगा, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे एन दिया हुआ है तो एन से आपको इंक्वायर, तो आई एन क्यू यू आई, तो इंक्वायरी याद रखना है। फिर देन नेक्स्ट वाला आता है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है और वायलेंस नहीं करना है पब्लिक में, तो ये वाला आता है टी सी मतलब तोड़ फोड़ नहीं करनी है भाई लोगों। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली जो ड्यूटी है हमारी है ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, उन सब में हमें पार्टिसिपेट करके देश का नाम ऊंचा करना है। तो यहाँ से आप लास्ट वाले जो दो अल्फ़ाबेट देखेंगे तो इनसे आपको पता चल रहा है ए एल मतलब ऑल ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो थे 10, अब बाद में एक और ऐड हुआ जिनको कि 11th बोला जाता है, तो अभी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है 11th, तो ये आपको याद रखना है। अब ये 10 मैंने याद कर दिया, उसके बाद यहाँ गैप है, चूँकि इसके बाद में गैप आ गया यहाँ पे, तो ये ड्यूटी आएगा, तो ड्यूटी क्या है हमारी,
बस इसको याद रखना आपको, ड्यूटी क्या है ये वाली लास्ट वाली जिसमें दिया गया है कि हमें अपॉर्चुनिटी देनी है किसको, बच्चों को जो कि 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें स्कूल भेजना होगा किसी भी हालत में, तो ये हमारी ड्यूटी है। तो ये वाला को बाद में ऐड किया गया इसलिए मैंने थोड़ा गैप रखा है उधर, तो ड्यूटी से आप रिलेट करिए इसको राइट टू एजुकेशन को, ठीक है। तो ये थे टोटल 11 पूरे करके, 11 आप देखेंगे यहाँ से मैं गिना देता हूँ आपको, 10+1, तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, उसके बाद फिर 8, 9, 10, ये 10 थे, और फिर बाद में एक और ऐड हुआ 11। मैं ब्रीफली देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ पूरी कहानी को। शुरुआत में कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे, फिर क्या हुआ, फिर आया 1976 का साल, उसमें एक कमेटी बनी स्वरण सिंह कमेटी, उसने बोला कि भाई लोगों ये वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं ज़रूरी हैं, तो इन्होंने सरकार ने 42nd अमेंडमेंट ला के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ऐड किया, कहाँ पर, 51A में, जो कि आर्टिकल है, और नया एक वो बनाया चैप्टर जिसको भाग बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं 4A, जिसको कि 4 का बोल सकते हो आप, ठीक है, 4A ऐड किया। देन वहाँ से आप आगे जाएंगे, तो अब जब ऐड किया है तो कितनी ड्यूटी को ऐड किया, 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया, तो 10 ड्यूटी चलती रही कब तक, 2002 तक। 2002 में एक और ड्यूटी ऐड की गई जिसको मिला के बना 11 ड्यूटी, तो जो 11th वाली जो ऐड की गई थी वो थी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो ये थे पूरे 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो इन्हें इस तरीके से याद करना, आपको पूरा रिलेट कर देना है इस वर्ड से ही अपने आप ही, और आप आराम से इसे फिर इंजॉय कर सकते हैं कि आपको सारी ड्यूटी बता देंगे और ऑप्शंस में आएगा। इसमें बेसिकली इसका पर्पस क्या है, मेरा बताने का पर्पस ये है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें इस टाइप से पूछ लिया जाता है, तो आपको आइडिया नहीं होता, आपको लगता है हर ड्यूटी अपनी जैसी दिखती है कि हाँ ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, जब तक आपको एक लाइक वेग आइडिया नहीं है कि हाँ ये है ये है ये है, तो इसलिए आपको इनसे याद रखना इन वर्ड से। तो दोस्तों इसके साथ ही ये वाला जो हमारा पार्ट 4A है वो ख़त्म होता है। अब अगले वाले में हम लोग पार्ट में अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके साथ ही मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि सब्सक्रिप्शन लेवल प्लीज़ उसे बढ़ाइए हमारे चैनल पे, तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है सारी वीडियोज़ वगैरह, और आपको कोई भी नया काइंड ऑफ जो मटेरियल चाहिए नई वीडियो बनवाने किसी और एग्ज़ाम के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो देखिए हमारी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू।